एलियंस का झुंड जो ढूंढ रहे हैं यूनिवर्स में, एक एनर्जी नई, सारे हीरोज हुए हैं जमा, बचाने अर्थ को, बचाने अर्थ को। एलियंस को चाहिए कोको बीन्स, जो है बड़ा कीमती, वो तेजी से है आ रहे, हम कैसे भला ये सहे। तो हमें चाहिए रक्षक जो बचाए अर्थ को। भाइयों और बहनों, जल्दी ही आखिरी स्टेशन आने वाला है। हमारी चुक चुक गाड़ी में आने के लिए शुक्रिया। चलो ये काम तो खत्म हुआ, अब मैं गाना गाऊंगा। पहले गला तो साफ कर लो जरा। ओ मेरी प्यारी इंदु, बोली रे इंदु। ए लड़के, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माइक ऑन है। हाँ, माइक ऑन है। सारे गमा पता नहीं सा। कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी। माफी चाहता हूँ, आपके पेशेंस के लिए शुक्रिया, और प्लीज मेरे बॉस को मत बताना। धमाला स्टेक, मैं दादूलाल को ये जरूर बताऊंगा। बॉस, हम लास्ट लेवल पर पहुंच चुके हैं। वेरी गुड, स्कैन शुरू करो। एनर्जी स्कैनिंग शुरू। किसी एक प्लैनेट में हाई एनर्जी पाई गई है। कौन सा प्लैनेट? प्लैनेट अर्थ। अच्छा, प्लैनेट अर्थ, भगाओ फुल स्पीड में। ध्यान दे, एक तेज गाड़ी स्टेशन पर आने वाली है। बहुत देर हो गई, कहाँ रह गया ये? मुझे कंपनी देने के लिए शुक्रिया अंकल। कोई बात नहीं, दादूलाल को हेलो कहना और अपना ख्याल रखना। बाय बाय दादूलाल, मैं आ रहा हूँ। बॉय, दादूलाल, मेरा बच्चा। दादू। अरे तू तो बहुत बड़ा हो गया। अंकल। मैं बॉय नहीं हूँ। दादूलाल, आप तो बिल्कुल भी बूढ़े नहीं हुए। ओए, मैं इधर खड़ा हुआ हूँ, तू वहाँ किसके गले लग रहा है? हाँ? सॉरी अंकल। अंकल का मूड खराब हो गया क्या दादूलाल? अरे इसमें मेरी क्या गलती, मैं तो बूढ़ा हो गया, पर तुझे तो दिखता है ना। कैसे आप दादूलाल? एकदम बढ़िया बेटा, चल अब घर चलते हैं। पता है आज क्या हुआ? ट्रेन ड्राइवर माइक ऑफ करना भूल गया और गाना गाने लगा। अच्छा। मैं आपका हूँ कौन? इस प्लैनेट की सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी मैंने डिटेक्ट कर ली है, और वो है कोको एनर्जी। क्या कहा? कोको एनर्जी? बॉस आप कंफ्यूज हो गए ना? मुझे सब पता है, बस भूल गया था। कोको इस गैलेक्सी का सबसे पावरफुल एनर्जी सोर्स है, पर ये अब खत्म हो चला है। क्या? हमें इसे हासिल करना होगा। लाइट्स ऑन कर लो, मुझे अर्थ का नक्शा देखना है। मुझे पता है कि यहाँ कोको एनर्जी क्यों है, क्योंकि इस प्लैनेट में लाइफ ही नहीं है। वो अर्थ नहीं, वो मून है। पता है मुझे? आप तो अंतरियामी हैं। चुप करो। कंप्यूटर, मुझे कोको के बारे में और इन्फॉर्मेशन ला के दो। क्या बात है, हम पहुंच गए। वाओ, आपका घर तो ओल्ड स्टाइल है दादू।
बिल्कुल आपकी तरह। क्या बोला? ओल्ड स्टाइल होगा तेरा डैडी। ओप्स सॉरी। चल अब अंदर आ जा। घर में ज्यादा कुछ तो नहीं है पर तुझे अच्छा लगेगा। बड़ा प्यारा घर है। ये देख ये है तेरा कमरा। वाव आपने ये कमरा अकेले सजाया? तो और कौन करेगा। बुढ़ा हो गया हूँ पर काम कर लेता हूँ। वाव धमाला स्टेक। अच्छा हुआ तू आ गया, अब दुकान में मेरी मदद हो जाएगी। हाँ मदद तो हो चुकी, लगता है सफर से बहुत थक गया। बोबो बॉय चल उठ। यहाँ बिस्तर पे सो जा। अर्थ के लोग कोको को खाने में इस्तेमाल करते हैं। खाने में? यानी वो इसे खाते हैं? जबकि कोको इस पूरे यूनिवर्स का सबसे कीमती एनर्जी सोर्स है। कोई बात नहीं बॉस, सेंटी मत होइए। चुप करो, आगे बढ़ो और अर्थ पर लैंड करो। मैं इन सब से कोको छीन लूंगा। दादू ओ दादू। कहाँ चले गए ये? हाँ हाँ, मुझे कैफे में मिलो। हे ओके, दरवाजा बंद करो। कर दिया। नेक्स्ट हैना को हाय कहो। वो कुछ ऐसी दिखती है। अब ये हैना कौन है? हाय बबू बॉय। तुमने मुझे डरा दिया। एक मिनट, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? वो दादूलाल ने बताया। वो वैसे भी ढिंढोरा पीटते रहते हैं। दादू ने ये भी लिखा है, कल की कुकीज के लिए थैंक यू। यू वेलकम। दादूलाल ने सारी कुकीज खा ली होंगी ना? पता नहीं, शायद हाँ। ओके है ना, मैं दादू के कैफे जा रहा हूँ। दादूलाल का कैफे? हाँ। रास्ता बता देती हूँ, यहाँ से राइट लो और फिर। ओ नहीं नहीं ठीक है, दादू ने रास्ता इसमें लिख दिया है। सी यू लेटर। ओके बाय। घर के बाहर निकलते ही सामने सीढ़ियों से उतरना, फिर आराम से रोड क्रॉस करना, फिर एक बार और सीढ़ी उतर के ढलान तक पहुंचना। पर संभल कर, वहाँ पे डॉगी पीछे पड़ सकता है। रबर ट्री प्लांटेशन के बाद बीच आएगा, सीधे सीधे चलते रहना और फिर एक घंटे बाद तू मेरे कैफे तक पहुंच जाएगा। आ गया बोबो बॉय। मैं तो थक गया। आप रोज यहाँ पर चलकर आते हैं दादू, वो भी इतनी जल्दी? नहीं नहीं बेटा, मेरे पास एक बाइक है, वैसे घर वो रहा। हाँ? क्या तो फिर आपने मुझे यहाँ घूमकर आने को क्यों कहा? जरूरी था, सुबह सुबह एक्सरसाइज करनी चाहिए। शुक्रिया दादू लाल। हाय बोबो बॉय, अच्छी वॉक थी ना? हाँ? मैं तो तुम्हें रास्ता बताने ही वाली थी। मुझे पहले से ही पता था, मुझे एक्सरसाइज करनी थी। मिमी? हाँ? मिमी? मैं हैना हूँ। ओ अच्छा, मुझे लगा मिमी हो। क्या, मुझे तुम्हारा नाम याद है लेकिन तुम एक दिन में ही मेरा नाम भूल गए। हा? बस बस बक बक बंद करो, मेरे कस्टमर्स का टाइम हो गया। हे यहाँ क्या क्या मिलता है? सब कुछ, यहाँ सब कुछ मिलता है। तुम कौन हो? हमारा इंट्रो बाद में, पहले जगह का इंट्रो। ये है दादूलाल का कैफे। ये सैंपल कौन है दादू? गोपाल मुफ्त का खाने चला आता है यहाँ। सब कुछ चॉकलेट ही होता है, चॉकलेट केक, चॉकलेट की आइसक्रीम, चॉकलेट का रसगुल्ला और सबसे बेस्ट दादूलाल का चॉकलेट मिष्टी दोई। ये तो कुछ ज्यादा ही अजीब है। दादूलाल का वादा कोई न खाया था, आज मारे। अच्छा क्यों है ना बच्चा, हमारे जैसा लॉयल कस्टमर बन जाओ बाबू मुशाई और रोज का रोज फ्री का खाओ। ओए, चुप कर, मैंने ऐसा कब बोला? हाय। मैं हूँ बोबो बॉय। हम गोपाल, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड। दादूलाल, हम आपके पोते का बेस्ट फ्रेंड बन गया है, तो क्या हमको एक हॉट चॉकलेट मिलेगा? क्या हुआ, दोस्त को नहीं पिलाएगा? बोबो बॉय फोन उठाओ।
हेलो हेलो दादू लाल। ओ दादू कुछ काम कर रहे हैं। ओ क्या तुम बोबो बॉय हो? हाँ 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 मैं यिंग हूँ और मुझे ऑर्डर देना है। बोलो बोलो क्या चाहिए तुम्हें? एक स्पेशल हॉट चॉकलेट प्लीज। ओके दादू एक स्पेशल हॉट चॉकलेट। यही चाहिए। ओके यही चाहिए। थैंक यू। यू वेलकम। हे यिंग तुम यहाँ भी तो ऑर्डर कर सकती थी ना। मैं शाय हूँ। छोड़ो उसे वो ऐसा ही है। चलो टीवी देखता है। हेलो पृथ्वी वासियों मैं हूँ अडूडू प्लैनेट अगलम बगलम थे। अपने सारे कोको बीन्स मेरे हवाले कर दो ये तबाही के लिए तैयार हो जा। उड़ी बाबा चैनल क्यों चेंज किया? बोरिंग बोरिंग ना है। लगता है अर्थ के लोग आपसे नहीं डरते बॉस। तबाह कर दो बॉस। मैंने पृथ्वी वासियों के बारे में पता लगाया और एक जरूरी जानकारी मिली है। हैं? बताओ मुझे प्रो। ये देखिए बॉस देखिए ह्यूमंस आप जैसे ग्रीन एलियंस के साथ क्या करते हैं। पहले वो उनके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं फिर उन्हें उबलते हुए पानी में डालते हैं फिर वो बच्चों को एलियंस को जबरदस्ती खिलाते हैं और बच्चे सब कुछ खा जाते हैं। वो मेरे साथियों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अच्छा है मैं बबल हूँ। यही वजह है कि वो आपसे नहीं डरते। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं हमें पावर स्फीयर का इस्तेमाल करना होगा। पर बॉस पावर स्फीयर को एक्टिवेट करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए। ठीक है हम कोको एनर्जी इस्तेमाल करेंगे। प्रोब जाओ और जाकर कोको ले आओ। लेकिन मैं ही क्यों? क्योंकि तुम पर्पल हो। ओ नहीं मैं पर्पल क्यों हूँ? बोबो बॉय मैं बाहर जा रहा हूँ कैफे संभालना। पर मुझे तो कुछ बनाना नहीं आता है। कस्टमर्स आ गए तो मैं क्या करूँगा? आहा तुम संभाल लोगे एलियंस थोड़ी आने वाले हैं। बाय। कहना आसान होता है दादू एलियंस सच में आ गए तो मैं क्या करूँगा? बाल बाल बच्चा नहीं इंसान पर्पल एलियंस को भी खाते हैं। चोर रुक जाओ मुझे मत खाना मैं टेस्टी नहीं हूँ। रुको रुको निकल गया हाथ से। दादू मुझे बहुत डांटेंगे। एक मिनट वो चीज तो उड़ रही थी। मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। बॉस देखिए मैं कोको ले आया। गुड थैंक यू मुझे पता है बॉस मैंने क्या किया। तुमने गलत इन्फॉर्मेशन दी। अर्थ के लोग ग्रीन एलियंस को नहीं खाते वो हरी भरी सब्जियां थी ना कि कोई एलियन। हे वहीं रुको कहाँ खिसक रहे थे तुम? मैं तो इसे वापस देने जा रहा था। मैंने तुमसे कहा इसे वापस देने को वापस आओ। अब जब पता चल गया है कि ह्यूमंस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो हमें पावर स्फीयर एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है ना। कंप्यूटर थप्पड़ लगाओ इसे। यस बॉस। बेवकूफ यही तो हमारा चांस है जब कोको एनर्जी से पावर स्फीयर एक्टिवेट हो जाएगा जिससे हम पृथ्वी पर राज करेंगे और सारा कोको हमारा होगा। दर्द हो रहा है। बच हो गया मेरे पीछे पीछे आओ। हे, इसे ही तो मैंने टीवी पर देखा था। कंप्यूटर चलो अब कोको डालो। यस बॉस।
बढ़िया, इस कोको एनर्जी से पावर स्फीयर एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ से पावर मिलती है इन्हें, मुझे कोको वापस ले जाना होगा। बॉस, पावर स्फीयर को एक्टिवेट होने के लिए कुछ और वक्त चाहिए। क्या? मुझे इसकी पावर अभी देखनी है। बॉस, कंप्यूटर प्रोपिक कोको टेस्ट कराओ। यस बॉस। कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है? मुझे लगता है ये बहुत यम्मी है। क्या? या प्रोब। बॉस, प्रोब लैब में है। कंप्यूटर लाइट्स ऑन करो। मैं हूँ सुपर प्रोब, सबसे ताकतवर। रुको रुको पांतवा, तुम क्या पूरी शिप तबाह करना चाहते हो? हम सब मारे जाएंगे। बॉस, पावर स्फीयर एक्टिवेट हो गया। बहुत बढ़िया, मेरे छाताओ। मास्टर, पावर स्फीयर और सुपर प्रोब के साथ मैं। हाय, फिर मिलेंगे। बॉस, वो रहा पावर स्फीयर। प्रोब, पकड़ो उसे। कंप्यूटर, सारे दरवाजे बंद करो। क्या हुआ बॉस? की इतनी हिम्मत, ढूंढो उठे। हाँ तो आ गए तुम, कहाँ थे इतनी देर? मैं एक एलियन का पीछा कर रहा था क्योंकि उसने कोको चुरा लिया था, और जब मैं उसे वापस लेने गया तो एक बड़ा एलियन रोबो मेरा पीछा करने लगा। बेकार कहानियाँ बनाना बंद करो। हाँ दादू प्लीज, मैं सच कह रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, चलो अब घर चलते हैं, शाम हो गई है। क्या मैं सपना देख रहा था? कम ऑन बोबो बॉय, एलियंस होते ही नहीं हैं। होते हैं। ओह नो! हे तुम तो उसी एलियन के रोबोट हो ना? एलियन? क्या, कौन एलियन? मेरा नाम ऑटोबॉट है। तुम मुझसे क्या चाहते हो, बताओ मुझे। मैं यहाँ तुम्हें पावर्स देने आया हूँ। हाँ पावर्स? हाँ पावर्स। बॉस, मैंने एक हाई एनर्जी वेव डिटेक्ट की है। ये जरूर पावर स्फीयर ही होगा, उसको ढूंढो। वो ये क्या है? ये है तुम्हारे पावर बैंड्स। वो तुमने ये मुझे क्यों दिए? क्योंकि तुमने तो मुझे एक्टिवेट किया। हाँ। ओ हाँ सही कहा, तो अब मैं क्या करूं? ये लो एलिमेंटल पावर्स, अब तुम प्लैनेट के सारे एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा अब मैं अपनी पावर्स को यूज कैसे करूं? पेशेंस, अपनी पावर को यूज करने के लिए तुम्हें ट्रेनिंग करनी होगी, क्योंकि इन पावर्स को संभालना बहुत मुश्किल है। ये क्या था? देखा, ये है तुम्हारी लाइटनिंग पावर, पर तुमने ये एक्टिवेट कैसे किया? ये देखो। अब नहीं हो रहा। मैंने कैसे किया था? ये तो बहुत गर्म है। ओ, लगता है बारिश होने वाली है। ये है तुम्हारी विंड पावर।
मिस्टेक। बॉय, खिड़की बंद कर लो बेटा। ओह दादू, ओह नो, मुझे अंदर जाना होगा अभी। बॉय, भूकंप आ रहा है, तू किधर? हाँ, मुझे तो कुछ महसूस नहीं हुआ। ठीक है ठीक है, खिड़कियाँ बंद कर लो, बारिश होने वाली है। ओके दादू। बाल बाल बचा। मैं एक सुपर हीरो बन गया। और ये है तुम्हारी अर्थ पावर। भूकंप। थामो हार, जाना है सफर पर एक, किसने तुम्हें रोका? हाँ यही है सही मौका। डरो ना और ना हो परेशान,